अर्यंत और सिद्ध की बात तो बंधुओं बातों से समझ जाती है, ये तो सामने है, इसलिए इसकी चर्चा और भी बड़ी हो जाती है। आपको अर्यंतों उनकी तो चर्चा है सो है, पर वहां तो अंत में कहने में भगवान है, ये तो सामने इसकी बात तो और गहराई से समझनी पड़ेगी। आचार्य देश काल परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय देता है संघ को वो मान्य होना चाहिए और मान्य होता है। आचार्य वही है जो स्थिति के अनुसार निर्णय दे। बंधुओं वीरस्य सत्यपीसे पट्टे, भगवान महावीर के 7 और 20 27 सत्यपीसे पट्टे, भगवान महावीर के 27वें पाठ पर सुतथ रयण सिंगारम, सूत्र और अर्थ को जानने वाले, सूत्र को और उसके अर्थ को जानने वाले जो संघ के श्रृंगार थे, देवद्धि खमा समणम पणमामेय वुड सहायाय, मैं उन देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण को प्रणाम करता हूँ जो भगवान महावीर के 27वें पाठ के ऊपर विराजमान हुए थे। बात क्या थी बंधुओं, देवर्धि गणी के समय तक 27वें पाठ तक शास्त्र पाठ मौखिक मुंह जबानी था, लिखे नहीं गए थे। ये वो आचार्य हैं देवर्धि गणी क्षमा श्रमण जिन्होंने कहा शास्त्र लिखे जाने चाहिए, और इस बात का इतना विरोध हुआ था शास्त्र लिखे जाने चाहिए। आपको परंपरावादियों की बात बताता हूं, ईरान में जब पहली बार कभी लाउड स्पीकर आया, कहां पर ईरान में जब लाउड स्पीकर आया तब ये मांग की गई कि वे इसको मस्जिद पर लगाया जाए और अजान माइक से की दी जाए। परंपरावादियों ने कहा ये नहीं हो सकता, बोले ये तो शैतान की चीज है, माइक तो शैतान की चीज लाउड स्पीकर, और इससे अजान देना तो बहुत बड़ा गुना हो जाएगा, ये नहीं दी जा सकती, लगने नहीं दिया जी, माइक लगने नहीं दिया। परंपरावादियों ने संघर्ष चला, परंपरावादी कहते थे ये नहीं लगेगा, इससे अजान नहीं होगी, और जो लोग थे नई रोशनी के कह लो नई विचारधारा के वो कह रहे थे भाई लाउड स्पीकर लगाने से सारे शहर में आवाज जाएगी और इसकी जो अजान देने वाली की आवाज है मस्जिद तक रह जाती है, ये लगाओ, नहीं लगने दिया। आखिरकार क्या फैसला हुआ, फैसला ये हुआ कि भी एक मौलवी अजान देगा माइक से और दूसरा मौलवी सुनेगा लाउड स्पीकर को कान लगा करके। अगर ये शैतान की चीज है तो अजान कभी भी जिसको हिंदी में शुद्ध कहते हैं वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि बीच में शैतान उसमें गड़बड़ करेगा और लफ्ज शब्द जो हैं वो सही नहीं होंगे, उच्चारण गलत हो जाएगा, शैतान का काम यही है। अगर वो सही शब्द सुनाई दें तो फिर मानना पड़ेगा भी इससे अजान दी जा सकती है। भाइयों ये प्रयोग किया गया, ये ईरान की बात है, एक मौलवी ने अजान दी, दूसरे ने, वो दिग्गज लोग लगाए गए थे, ऐसे थोड़े के राह चलते पकड़ के लगा दिया, जो बिल्कुल प्रामाणिक और विद्वान थे वो लगाए थे, दूसरे ने सुनी बड़ी बारीकी से सुनी, देखे कोई शब्द कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि शैतान अगर बीच में है तो वो शुद्ध रहने नहीं देगा, उसमें गड़बड़ जरूर करेगा। वो शुद्ध सुनी गई और उसने फैसला दे दिया, अजान बिल्कुल शुद्ध थी, इसमें किसी भी शब्द में कोई गलती थी ही नहीं, बिल्कुल ठीक थी। तब ये पास हुआ कि चलो भाई ये जो लाउड स्पीकर है ये
लगाया जाए मस्जिद में और इसके ऊपर अजान दी जाए ताकि सारे शहर में जो सुनी जाए। उसके बाद भी बहुत लोगों ने कान ढकले, बोले नहीं नहीं ये नहीं सुनेंगे ना, हम तो अपने करेंगे। वो अब तो मस्जिद में, हर मस्जिद में लगे हुए हैं लाउड स्पीकर। ये परिवर्तन बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। क्यों होता है? जो परंपरावादी हैं वो अपनी बात से पीछे हटने को कभी तैयार नहीं होते। वो तो कहते नहीं यही होगा जो चला रहा। यहां भी यही हुआ, बड़ा भारी विरोध हुआ। देवर्दी गणी क्षमा श्रवण का प्रश्न है। देवर्दी तो उनका नाम था, चलो ठीक है, ये क्षमा श्रवण कहां से आ गया? ये क्या नाम है, क्या चीज है, पदवी है, क्या है ये क्षमा श्रवण? उनका इतना विरोध हुआ, लोगों ने गालियां दी उनको, जिन शासन का द्वेषी बताया उनको, पता नहीं क्या क्या कहा, और वो क्षमाशील है। बोले कोई बात नहीं भाई, ये अपनी बात कह रहे हैं, देखो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं तो इसको लिखवाऊंगा शास्त्रों को। तो शांत रहने के कारण उनको क्षमा श्रवण कहा कि भाई देखो इतना विरोध हुआ इनका, इतना कुछ कहा गया इनको, पापी बताया, जिन शासन का विरोधी शत्रु बताया, पता नहीं क्या क्या बताया, और वो उन्होंने सहन कर लिया सब कुछ, तो क्षमा श्रवण कहलाया। भगवान महावीर के 27वें पाठ पर जो विराजमान हुए, उन्होंने शास्त्रों का लेखन करवाया। ये आचार्य की बात है। ये अद्भुत बात यह है कि जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया, अद्भुत काम किया। अब बात आचार्य की कर ले। नमो आयर्याणम, आचार्य के 36 गुण बताए गए हैं और क्या है? पंच इंद्रिय संवरणों तह नव्य है बम्बचेर गुत्ती धरो चव्य है कषाय मुको ई 18 गुण ही संयुक्तो पंच महवेजुतो पंच भी आयार पालन समत्तो पंच समयति उतो 36 गुणों गुरमच्छ। ये 36 गुण जो हैं आचार्य के होते हैं। और क्या होते हैं? पंच इंद्रिय संवरणों, पांच इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है। इतनी साधना है उनकी कि पांचों इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है। एक साधु छज्जे में बैठा था। कहां बैठा था? हाँ जी, कहां बैठा था? हाँ, भरवा रहा हूं कहानी सुनाने के लिए। उसके हाथ में किताब थी और किताब लेके बैठा था। जहां वो बैठा था उसका आगे मैदान था, वहां एक नट आ गया। नट जो बांस पर चढ़ करके खेल करते हैं, और उसके साथ और भी थे। उसने अपना बांस गाड़ा और वहां खेल करना शुरू कर दिया और जनता इकट्ठी होगी। एक श्रावक वहां से गुजर रहा था, वो भी खड़ा हो गया, देखे भी क्या कर रहा नट। उसकी नजर गई छज्जे में, साधु बैठा और किताब लेके बैठा। श्रावक क्या कहता है? देख क्या बहाना मारा है साधु ने, स्वाध्याय का देखना तो तमाशा है नट का, और किताब लेके बैठा हुआ है, देखो कमाल हो गया, कितना धोखा पट्टी का काम हो रहा है। ले तो ले किताब, मैं किताब पढ़ूंगा, गुरु से कहा ना कहा या किसी भाई को कोई पूछे, मैं तो स्वाध्याय कर रहा था, और क्या देखने बैठा ये नटका तमाशा। उसने जी श्रावक ने तमाशा देखना छोड़ दिया और वो यूं देखता रहा, देखो ये साधु जो है ये कब कब चोरी से देखेगा, वो किताब में लगा रहा। उसने कहीं तो यूं करेगा टेढ़ा मेढ़ा, कुछ तो देखेगा ये। जितनी देर तमाशा चला बंद हो, साधु ने एक बार भी आंख उठा के नट का तमाशा नहीं देखा, और श्रावक ये देखता रहा, देखे कहीं ना कहीं तो देखेगा, नीचे मुंह करके कुछ देखेगा, देखा नहीं, तमाशा खत्म हो गया। वो फिर भी खड़ा रहा, देखें साधु क्या करेगा। वो साधु अपने स्वाध्याय करता रहा। उस नाम है गजब है, इस साधु ने अपने दृष्टि के ऊपर
और अपने मन के ऊपर इतना नियंत्रण किया, एक बार भी मुंह उठा के नहीं देखा। कैसी तीर्णहार आत्मा है, कैसी महान आत्मा है। पंच इंद्रिय संवरणों बंधु बंधु, जो पांचों इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर ले उसके महानता को आप सोच सकते हैं, वो कितना महान होगा। क्या ये संभव है? प्रयोग करके देखो, ये कुछ हो रहा हो और हमारा मुंह उधर ना फिर हम ना देखें। बड़े महान पुरुष होते हैं ऐसे। बंधुओ नव भी है ब्रह्मचेर गुत्ती धरो, नौ प्रकार की ब्रह्मचर्य की बाढ़ बताई गई है, उनका पालन करने वाला, चार कषायों को जीतने वाले, पांच महाव्रतों का पालन करने वाले, पांच आचार का पालन करने वाले, पांच समितियों का पालन करने वाले, तीन गुप्तियों का पालन करने वाले। बंधुओं इन सारे गुणों से जो युक्त हुआ करते हैं वे आचार्य होते हैं। आचार्य की बहुत बातें बताई, विराम लगा रहा हूँ ये बताते हुए कि शास्त्र में पूछा गया आचार्य के कितने भाव होते हैं, दो तीन भाव बताए मुक्ति जाने में, वो भी अधिकतम, कुछ तो उसी जन्म में भी चले जाएं और नहीं तो दो तीन भावों में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा होता है आचार्य स्वरूप, आचार्य की बहुत सारी बातें हैं जो शास्त्र में बताई गई। ऐसे आचार्य को हम वंदन और नमन करते हैं। राजा और मंत्री बाहर से लौटे, पूर्व कथा में आपने सुना था कि वो बाहर गए थे और उम्बर राणा कोड़ियों के राजा से मिलकर आए थे, कोड़ियों का दल देखकर आए थे, उनसे बात करके आए थे। राजा के दिमाग में बात आई थी, ये जो कोड़ी था जो राणा कह रहा अपने आप को, ये भी कर्म कर्म की बात करता था, कर्म की बात है, कर्म की बात है, और ये मैना भी कर्म कर्म की बात करती, इनकी तो जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, क्यों ये कुछ और मानती नहीं कर्म के सिवाय। ठीक होगा, दोनों के विचार एक जैसे हैं, क्यों ना मैना का विवाह इस कोड़ी के साथ कर दिया जाए। सोच लिया उसने, क्योंकि हृदय बहुत क्रूर और कठोर था। राजा महल में आए, महल में आए तो रानियां थी और सब, मैना की माँ को उन्होंने संबोधित किया, कहा आज एक बहुत शुभ समाचार, खुश खबर लाया हूँ। महाराज क्या बात है, मैंने मैना के लिए वर देखा है। अच्छा, और देखा ही नहीं, मैंने तो रिश्ता भी पक्का कर दिया। सच कैसे? आपने हमें पूछा दे, बस फिर बात बन नहीं पाती अगर मैं देर करता तो। बिल्कुल इसके लायक है, इसके विचारों के लायक है। अच्छा, आपने बड़ी बेटी का तो बहुत अच्छा विवाह किया, तो इसका मैं कम करूँगा कोई, बहुत अच्छा करूँगा, इसका अनुरूप ही करूँगा। तो कहाँ का राजा है, कौन है, बस अब ज़्यादा बातें मत करो, मैं तो निमंत्रण दे आया और जो कुछ शगुन था वो भी कर दिया, अब थोड़ी सी देर के अंदर वो बारात लेकर के आने वाला। अच्छा, इतने जल्दी? और तो काम किए नहीं सारे, ये लगाना वो लगा। बोले ये फिर करते रहना बात, मैं उसको खोना नहीं चाहता उस वर को। ऐसी क्या बात है, रानी ने पूछा। बोले देख लेना थोड़ी देर में, बस फटाफट जल्दी करो। शहनाई बुलवा दी, शहनाई भिजवा दी, सारे महल में एक नया हर्ष आ गया। कल मैं मैना की शादी, इतना जल्दी ये कैसे होगा, पता भी नहीं चला कब कहाँ किस से। बोले यूँ कह रहे हैं कि बस अभी आया दूल्हा बारात लेकर के। कोई खास ही बात है भाई, कमाल है, इतना जल्दी तो कोई भी नहीं करे, राजा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा दूल्हा होगा, बहुत अच्छा होगा, नगर में चर्चा होगी जी थोड़ी सी देर के अंदर ही। आज तो मैना की शादी है, राजकुमारी की शादी है। और राजा ने कहा रानी से, राजकुमारी को तैयार करो, इसको आज ही विदा करेंगे। महाराज कुछ तो होने दो, कुछ तो शगुन करने, बस बस फटाफट करो, देर मत करो, जो कुछ करना बाद में करते रहना। कुछ समय बीता,
शहनाइयाँ बज रही थी और एक ढोल बजता हुआ आया और कोढ़ियों का दल उम्बर राणा वो महल के आगे आ गई। राजा के आदमी उनको ले आए, वो भी हैरान कि हमारी शादी कहाँ हो रही है, महल में राजकुमारी से। समझ नहीं आई बात, कहीं हम किसी चक्र में तो नहीं फंस जाएं, राजा कभी हमारे को दंडित करता हो, कुछ और कोई बात हो। वो बड़े हैरान वो आके खड़े हो गए और राजा ने कहा रानी से, जो शगुन कुछ होते हैं, आरता उतारो, ये करो वो करो, करो। दूल्हा आ गया, कहाँ कौन, बारात, बारात भी आ गई। महल के लोगों ने, रानी ने, सब ने देखा, ये क्या, ये तो कोड़ी है। राजा बड़ा क्रूर बना हुआ था, उसका अहंकार था कि मैं इस लड़की को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ये रोएगी और फिर कहेगी पिताजी सुख दुख देने वाले आप ही हो, कर्म कुछ नहीं होता है, फिर कहेगी। ये बात मनवानी थी, इसलिए राजा ने ये काम कर डाला, बता दिया ये है दूल्हा। पट्टियां बंधी, पीप जैसा होता कोड़ियों का रूप उस तरह का, और उसने आज्ञा दी फेरे वेरे जो कुछ है अभी होंगे, तत्काल होंगे, देर का कोई काम ही नहीं। जिसने भी सुना कलेजा थाम लिया, अरे ये क्या, बोले कौन राजा के खिलाफ, अगर बोले तो पता नहीं क्या से क्या कर डाले। जिसको पता चला, जिसने देखा, वही रो पड़ा, रे इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए था, अगर वर नहीं मिलता ना मिलो, शादी ना करो, इतना जुल्म बताओ, इस बेचारे राजकुमार की शादी इस कोड़ी और भिखारी के साथ में, समझ नहीं आता। राजा ने सोचा तो सोचा क्या, ये जिसने सुना जिसने देखा वो रो पड़ा, पर बोल कोई नहीं सका। अन्याय और जुल्म के सामने भला कौन कौन बोले, क्या हो।